नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने साउथ गोवा जिले के काणकोण अमोणे आदर्श ग्राम में आदर्श युवा संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय लोक उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता। कहा, प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने कहा, SC ST एक्ट को खत्म करना चाहते हैं राजनीतिक दल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा गुज्जर समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं की जा रही है कार्यान्वित। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में गुज्जर कल्याण बोर्ड की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुज्जर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण गुज्जर समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्य रूप से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े होने के कारण गुज्जर समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने पशुपालन विभाग को गुज्जर समुदाय को बेहतर नस्ल के मवेशी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि वे अपने पशुओं से बेहतर आय प्राप्त कर सकें। जयराम ठाकुर ने गुज्जर समुदाय के सदस्यों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि इस समुदाय के बच्चे आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब राज्य सरकार ने गुज्जर समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि गुज्जर समुदाय को विकास और प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों की स्थिति अन्य सभी राज्यों से बेहतर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने जनजातीय लोगों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। गुज्जर समुदाय को जो है वो जनजाति का दर्जा देने के लिए सरकार ने जो निर्णय किया था ये 2003 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री, और इससे पहले वर्ष 1966 के बाद जो है पंजाब में जो शामिल थे उन लोगों को ये दर्जा जो है वो गुज्जर का ट्राइबल का जो है वो हासिल नहीं था। और स्वाभाविक रूप से जब ये दर्जा हासिल हुआ है उसके पश्चात आपके लिए अलग तरह से सरकार की ओर से प्रयास हुए कि आपके जितने भी मसले हैं उनका समाधान हो, संवैधानिक दृष्टि से आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो और विकास कार्य में आपके लिए प्राथमिकता हो। इन सारी चीजों को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि हमारा गुज्जर समुदाय भी प्रगति में अपने आप को आगे बढ़ाता दिख रहा है। इसमें विशेष रूप से मुझे जो आग्रह करना है कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, पढ़ाई कराना, ये बहुत जरूरी है आज की परिस्थिति। चाहे आपका
व्यवसाय सारी चीज़ के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि जाना होता है दूर दराज के इलाके में होते हैं, कठिन इलाके में होते हैं जहाँ पर पढ़ाई की सुविधा नहीं होती है, और घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई का अवसर जो है वो तालीम का जो अवसर जो है वो मिलना चाहिए। इसके लिए आप सबसे मेरे इस बात की आग्रह है कि इस दिशा में आप स्वयं भी प्रयत्न करें और सरकार की ओर से भी जो प्रयत्न करने की बात है उसको हम भी करने की कोशिश करें। हम अभी भी इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारे विशेष तौर से जो हमारे ट्राइबल के इलाके और ट्राइबल के इलाके के साथ ट्राइबल में जो लोग रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, देश के बाकी राज्यों के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तुलना करें, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उनमें से बहुत बेहतर हैं। ट्राइबल के इलाके में भी ट्राइबल कम्युनिटी के बेहतरी के लिए जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तो इस बात से हम सहमत हैं कि अभी भी बहुत कुछ उनकी मदद करने की जरूरत है। उस दृष्टि से हम करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश गद्दी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस विभाग को गद्दी समुदाय की भेड़ों और बकरियों की चोरी रोकने और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने इस विषय पर मानक संचालक प्रक्रिया जारी की है, जिसके अनुसार समुदाय के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गद्दी कल्याण बोर्ड में गद्दी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र से गद्दी समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और भेड़ पालकों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि उनका गद्दी समुदाय से विशेष लगाव है और उन्हें भी इस समुदाय का विशेष प्रेम और सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के कारण गद्दी समुदाय को उनकी भेड़ और बकरियों के नुकसान का मुआवजा अविलंब मुहैया करवाया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गद्दी समुदाय की भेड़ और बकरियों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उनके झुंड को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैठक में उठाए गए जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थान खोलने और स्तरोन्नत करने संबंधी मुद्दों की अलग से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उनके द्वारा किए गए चराई परमिट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न किए जाएं, इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण ही वर्ष 2003 में गद्दी समुदाय को ये विशेष जनजातीय का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गद्दी समुदाय को पहले की तरह जनजातियों का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 के बाद पंजाब से विलय होने वाले क्षेत्रों के गद्दी समुदाय को जनजातियों का दर्जा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करेगी, ताकि अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए बजट का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गैर जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान 46 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। पिछली सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान केवल 33 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा निगम को 2.40 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। उन्होंने गद्दी समुदाय का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग गद्दी समुदाय को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करें। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण बोर्ड की बैठक लंबे समय से लंबित थी।
बैठक में विधायक विक्रम सिंह जरियाल और जियालाल कपूर और अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इस मौके पर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे विभागों के लिए ये कठिनाई हो रही है कि बड़े स्तर पर जो है चोरी होती है और उसकी नुकसान की भरपाई वो कर नहीं पाता है, वो पुलिस और उसकी कोर्ट कचहरी के चक्कर में जा नहीं पाता है और उस सारी चीज को एक भी बात है कि प्रशासन की दृष्टि से बहुत कैजुअली लिया जाता है। चोरी किसी और चीज की होती है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन जब भेड़ बकरी की चोरी होती है उसको गंभीरता से नहीं लेता है महकमा और इस कारण से लाखों रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी, हजारों रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी हमारे जो है उसकी रिपोर्ट गंभीरता से करते नहीं। इसके लिए जो एक चीज हमने चर्चा की है उसके तरफ अगर जब हमारी मूवमेंट होती है पर्टिकुलरली सीजन में ऊपर जाने की या नीचे जाने की, दो ही डायरेक्शन में जाते हैं, सर्दी के मौसम में नीचे जाते हैं, गर्मी के मौसम में ऊपर जाता है, तो उस दौरान थोड़ा हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन पे एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे इस बात को सुनिश्चित करें। SC ST कमीशन जो है उसमें इनका कहना है कि दो लोग जो है ST के इसमें से नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो उसमें मुझे भी लगता कोई करना है और उन्होंने भी जब उसको जब कमीशन SC ST करके है ये तो ST का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं है, तो ये बात मुझे लगता है कि ये ड्यूएबल है इसको सोचना चाहिए। तो दलित शोषण मुक्ति मंच का राज्य स्तरीय सेमिनार भारतीय संविधान और मनुस्मृति की चुनौतियों के विषय पर शिमला के कालीबाड़ी हॉल में संपन्न हुआ। मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने सेमिनार को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आज देश के अंदर जो संविधान पर हमले हो रहे हैं उससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर मनुवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ रही है। राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हॉल में दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा भारतीय संविधान और मनुस्मृति की चुनौती विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दलित शोषण मुक्ति मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सुभाषिनी अली ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मंच के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आज भी आप जानते हैं आपके मध्य प्रदेश में भी पिछले मैं समझती हूँ 2-3 साल में भयानक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। अभी भी एक लड़की है, कोई शिलाई जगह है शायद, वहां उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर केस वापसी के लिए उसका हाथ काट दिया गया और अब कोर्ट के अंदर जब वो जाती है तो उसको वही धमकियां मिलती हैं कि अपना केस वापस लो वरना तुम मार डाली जाओगी। ये आपके हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में हो रहा है। तो इस दौर में दलितों के साथ होने वाली हिंसा तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसको भी जेल भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और अगर कोई फेसबुक पर किसी मंत्री के खिलाफ कोई मजाक डाल दे तो उसकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी हो जाती है, ये बातें हम लोग सबको पता है। मीडिया से बात करते हुए जगत राम ने बताया कि दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन शिमला के कालीबाड़ी हॉल में किया गया है। इस मौके पर उन्होंने दलितों के साथ हो रहे शोषण और सरकार की दलित विरोधी विचारधारा पर प्रकाश डाला। आज जो दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से कालीबाड़ी हॉल में राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है और आज जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली जी है वो इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई है। आज जो हम सेमिनार कर रहे हैं कि संविधान वर्सेस मनुस्मृति की चुनौती, आज आज़ादी के 75 साल के बाद जो हमें संविधान के अंदर दलितों के लिए जो सुविधाएं मिली है, आरक्षण की सुविधाएं मिली है, समानता की सुविधा मिली है, जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने की सुविधा मिली है, रोजगार की सुविधा मिली है, उसको जो मौजूदा सरकार है लगातार उसको
छीनने का प्रयास कर रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। और ये जो हमारा भारतीय संविधान है, इसके बजाय वो जो मनु का न्याय शास्त्र है उसको ये संविधान के रूप में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। एकमात्र विधायक थे जो राकेश सिंघा थे, उन्होंने खुलकर इस पर अपनी बात कही है कि ये आरक्षण भी रहना चाहिए और ये जो एट्रोसिटी एक्ट है ये भी रहना चाहिए, क्योंकि दलितों के पास एक हथियार भी है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, और उनका जो अधिकार है आरक्षण का वो उनका जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए हम उनको धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने हमारे मुद्दे को वहाँ पर उठाया है। इसलिए आज का जो हमारा यहाँ पर सेमिनार है, इस पर भी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें जो आंदोलन की रूपरेखा तय करनी है वो आज हम तय करेंगे। अभी हमने तय करना है, कर भी कुछ हमने आपस में बात की है कि आने वाले 31 जनवरी तक हम पूरे जिलों में सम्मेलन करेंगे, 15 मार्च तक हम पूरे ब्लॉक के सम्मेलन करके नीचे संगठन को मजबूत करते हुए, और उसके बाद जब ये विधानसभा सेशन होगा बजट सेशन के दौरान, फिर हम प्रयास करेंगे कि विधानसभा में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करने का जो कोशिश करेंगे और सरकार को बताएंगे कि भाई ये जो तुम्हारी नीतियां हैं ये बिल्कुल गलत हैं, तुम्हारी नीयत भी ठीक नहीं है, नीतियां भी ठीक नहीं है, इसको आपको ठीक करना है, और जो वीकर सेक्शन है उसके पक्ष में आपको खड़े होना है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, यही हमारा आज इसमें हम कहना चाहते हैं। वहीं सम्मेलन के उपरांत कालीबाड़ी हॉल में पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें दलित शोषण मुक्ति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने मीडिया के समक्ष अपने विचार रखे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की भाजपा सरकार आरक्षण और दलित विरोधी है, जो साफ नजर आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने दलितों के साथ हो रहे शोषण और सरकार की दलित विरोधी विचारधारा पर भी प्रकाश डाला। एक बहुत बड़ी मक्कारी है हमारे समाज में कि जिनका सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है उन्हीं के बारे में सरकार कहती है हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कि हमारी सरकार लड़कियों के बारे में कहती है हम इनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि 80% जो बजट था ये लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के नाम पर, तो 80% बजट तो पब्लिसिटी पे ही खर्च हो गया। एक्चुअली जो कार्यक्रम थे या उनको उनकी प्रोत्साहित करने का जो काम था उस पर नहीं, पब्लिसिटी पे 80% खर्च हो गया, और बजट का मतलब मेरे ख्याल से 20% हिस्सा ही खर्च हो पाया है ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये जितना जो कमज़ोर है उतना ही सरकार उनके लिए दावा करती है कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो भ्रम पैदा होता है, और दूसरा जो दूसरे लोग हैं उनको लगता है कि सब कुछ तो इन्हीं के लिए हो रहा, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके बीच में जो एक द्वंद्व की भावना है वो बढ़ती है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष उसके लिए होता कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 2018 में आय सीमा को 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी समुदायों के समान और संतुलित विकास से ही प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12% और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए 18% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग की स्थापना की गई है, और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 52 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में दिए गए सभी सुझावों पर विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए जारी करने के मामले पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी समुदाय के समान और संतुलित विकास से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए बेहतर और समान अवसर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग का
सूत्रपात हुआ है। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों से अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं का समाधान और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने सार्थक और बहुमूल्य सुझाव देने का भी आग्रह किया। जहां तक इस वर्ग के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास और प्रयत्न हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो विकास की दृष्टि से है, चाहे वो विकास के अलावा दूसरे सामाजिक दृष्टि से उत्थान के लिए है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम काम करते ही हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का भी गठन हुआ है और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी की सूची में अभी तक 52 जातियां उसमें शामिल है, 52, और ओबीसी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें आपका हम जिक्र करें, जो हमारी जो उद्देश्य से हमारी सरकार ने जो क्रीमी लेयर में आय सीमा का जो वर्ष 2018 में 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब शिमला ने अपना स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में जिला गवर्नर लॉयन डॉक्टर दिनेश दीपक जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर देवेंद्र चौहान को लॉयंस क्लब शिमला के अध्यक्ष पद की भी बागडोर सौंपी गई। क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र चौहान ने नई मिली इस जिम्मेदारी के लिए लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों का आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। लॉयंस क्लब शिमला के स्थापना दिवस पर एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के नए अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार चौहान की ताजपोशी की गई। कार्यक्रम में जिला गवर्नर लॉयंस डॉक्टर दिनेश दीपक जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने लॉयंस क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में लॉयन वीरेंद्र मेहता, लॉयन भरत भूषण दुआ, लॉयन अजय कुमार गोयल, लॉयन रमन गुप्ता, लॉयन विनय गर्ग, लॉयन डॉक्टर राजेश चान्ना, लॉयन डीवी पठानिया और लॉयन लेडी अंजू चान्ना मौजूद रहीं। क्लब के महासचिव ने मीडिया से बात करते हुए लॉयंस क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि क्लब द्वारा समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑनर है, डिस्ट्रिक्ट 32182 के लॉयन डॉक्टर दिनेश दीपक जोशी, वो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। इस प्रोग्राम के वो चीफ गेस्ट हैं। उनके साथ यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफिसर हैं लॉयन विनय गर्ग जी, और उनके साथ लॉयन अजय गोयल जी, ये सब हमारे जो डिग्निटरीज हैं। ये बाहर से देवेंद्र चौहान जी जो अभी प्रेजिडेंट इलेक्ट है, उनकी स्थापना करने के लिए यहाँ पर स्पेशली आए हैं। साथ में हमारे लॉयन क्लब प्रवानू, कालका, सोलन और अंबाला से काफ़ी लॉयंस यहाँ पर आए हैं, सीनियर लॉयंस आए हैं। इस हमारे जो आज का ये समारोह है, इसमें स्थापना दिवस का, इसकी वेलकम के लिए और इनकी स्थापना के लिए देवेंद्र चौहान जी की वो हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। इसके साथ ये बताना चाहेंगे हम कि हम लॉयंस क्लब में हम टाइम टू टाइम जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप्स और फूड फॉर हंगर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें लंगर लगाते हैं, नहीं तो हम नीडी बच्चों को या जो भी इस तरह के स्कूल में कहीं ज़रूरत होती है वहाँ पर पुस्तकें देते हैं, खाने का सामग्री देते हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है हम लोग एनवायरमेंटल एक्टिविटी में हर साल जो है अपना कैंप लगाते हैं, जिसमें कि हम 200-300 पौधारोपण करते हैं वहाँ पर। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौहान ने भी मीडिया के समक्ष अपने विचार साझा किए। और आज हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हमारे जितने भी ऑफिस बिरर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन होने जा रही है हमारे डीजी लॉयन दीपक जोशी जी के द्वारा। और इससे पहले हमारी यहाँ पर स्कूलिंग का प्रोग्राम था, स्कूलिंग में जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स थे
उनके स्कूलिंग के लिए हमारे बाहर से VDG 1 VDG 2 भारत भूषण दुआ जी आए थे, उन्होंने हमारी स्कूलिंग का प्रोग्राम कंडक्ट किया। और आज के इस स्थापना दिवस पे हमारे और काफ़ी लोग गेस्ट बाहर से आए हुए हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने लॉयल लीडर्स हैं, जो प्रोमिनेंट लॉयल लीडर्स हैं, आज सारे प्रेजेंट हैं और ये हम लोगों के इस समारोह में सम्मिलित होंगे और हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम आगे कंडक्ट करेंगे। भाजपा सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस बेतुके मुद्दों पर लगातार वॉकआउट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक पॉलिटिकल स्टंट पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा और ना ही कोई नीति है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस के हर जिले से एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। करण नंदा ने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे कांग्रेस का ही मजाक बनकर रह गया है। देखिए, कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल स्टंट पार्टी बन चुकी है। उनके पास केवल स्टंट लेकर जो है एक माइलेज हासिल करने के बजाय और कोई मुद्दा नहीं रहा है। आप देखिए कि किस प्रकार के बेतुके मुद्दे जो है उन पर कांग्रेस जो है वॉकआउट करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने सबसे पहला वॉकआउट किया एक अविश्वास पत्र पर। अब अविश्वास पत्र भी सरकार के खिलाफ क्यों आएगा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। जब पूरे के पूरे विश्वास मत कांग्रेस के अपना बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस किस मुद्दे पे एक अविश्वास पत्र ला रही है? और अविश्वास पत्र में कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक है, उसमें से कुछ विधायक जो है वो स्वयं विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करने में नाकामयाब रहे। उसमें से एक विधायक की तबीयत खराब है, उसका हम समझ सकते हैं, पर दो विधायक जो अन्य थे, ठीक है, वो क्यों नहीं आए? तो कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस की लीडरशिप के साथ नहीं है। अब पे बैंड किसकी देन है? वह कांग्रेस के काले अध्याय की देन है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने उस अध्याय को लाया था। आप देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसमें जो है 7 साल का उनको जो है बंधुआ का जो कानून वो लाए है वो बनाया, और उसके बाद 10 साल का उसके ऊपर रेगुलेशन लगाया कि भाई वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि भाई ये कांग्रेस के ही उपज और कांग्रेस ही उसको रिवर्ट करने की बात कर रही है, तो वो 10 साल जब सत्ता में बीच में थी तो उन्होंने तब तो इस बारे में सोचा नहीं, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? तो इस प्रकार अन्य मुद्दे जितने भी कांग्रेस ला रही है वो कांग्रेस के ही मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने वस्तुस्थिति बिगाड़ी और आज वो बीजेपी के सर मंदने की कोशिश कर रही है। तो मेरा मानना तो ये है कि कांग्रेस को ये वॉकआउट बंद करने चाहिए और ये बेतुके प्रस्ताव ना लाकर इसमें जो है प्रदेश की प्रगति में हाथ डालकर जो है एक सरकार का सहयोग करना चाहिए और प्रदेश के मुद्दा पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, जिससे प्रदेश में जो विधानसभा लगी है उसमें कई इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसका समाधान निकले। देखिए, जो कांग्रेस है ना वो एक पार्टी है जो सिर्फ ये हर मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने के प्रयास करती है। आप देखिए, कोरोना काल में भी कांग्रेस ने सिर्फ पॉलिटिक्स करी, जनसेवा नहीं करी। आज भी हर मुद्दे पे कांग्रेस केवल पॉलिटिक्स कर रही है और कुछ नहीं। समाधान उनके पास है नहीं, रिसोर्सेज उनके पास है नहीं, और वो जो है सिर्फ एक राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। आप देखिए, अगर ये ओल्ड पेंशन की बात करते हैं और ओल्ड पेंशन को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओल्ड पेंशन में अगर वो पेंशन लागू होती है, 2000 करोड़ का जो डेफिसिट है वो सरकार के ऊपर लगता है, सालाना जो है वो 500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सरकार को उसके बारे में करना पड़ेगा, और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में जो है वो ओल्ड पेंशन लागू नहीं हुई है। तो मेरा मानना तो ये है कि ओल्ड पेंशन को मुद्दा है ही नहीं, इसलिए राजनीतिकरण छोड़कर सकारात्मक रूप से राजनीति कर जन सेवा करें तो उससे जो है कांग्रेस को ज़्यादा जो है वो मुद्दा उठाने का मौका भी मिलेगा और सरकार जो है उसमें सहयोग भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है, एक मास लीडरशिप पार्टी है। हमारे पास विभिन्न संगठन से, सारे संगठनों से लोग जीत कर आए हैं, तो टाइम टू टाइम जो जनता के हित के डिसीजन है वो हम लेते हैं। और जो 3 कानून जो अभी अपनी किसान के लिए आए थे उसमें काफ़ी अच्छी भी चीज़ें थी, पर वो किसानों को वर्तमान समय में जो है हम असफल रहे उसको समझाने के लिए। पर आने वाले समय में अगर किसानों के साथ जो है वो लगातार वार्ता चलेगी और अगर वो समझते हैं कि इन कानून को किसी अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए, तो हम इनको लागू करने का प्रयास करेंगे। पर जितने में जनता हमारे से अपना जितनी भी अपेक्षाएँ रखती है उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है, और हम जो है वो कोई ऑटोक्रेटिक पार्टी नहीं है। हम जो है वो जनता को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो टाइम टू टाइम जो भी डिसीजंस होते हैं वो हम लेते हैं।
राजधानी शिमला के पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी मंडल शिमला शहरी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस मौके पर कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन रवि मेहता भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा, उपचुनावों में मिली हार पर समीक्षा और आगामी योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। शिमला के पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी मंडल शिमला शहरी की कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस मौके पर बैठक में पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा, उपचुनावों में भाजपा को मिली हार पर समीक्षा और आगामी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष चर्चा की गई। इस मौके पर कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन रवि मेहता भी कार्यक्रम में शरीक हुए और उन्होंने उपस्थित जनसमूह के समक्ष अपने विचार भी रखे। जैसे मुझे आदेश हुआ कि आगामी जो कार्यक्रम पार्टी के अभी रहने वाले हैं वो सब कार्यक्रमों की कुछ जानकारी मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखूं, क्योंकि अभी 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है। केंद्र की सरकार को जहां 2.5 वर्ष हो जाएंगे, वहीं हमारी प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पूर्ण होने हैं। और इन 4 वर्षों में हम सौभाग्यशाली है कि फिर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार को आशीर्वाद देने, फिर उन्हें सशक्त बनाने के लिए यहां हिमाचल आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य होगी। इसलिए पार्टी ने योजना की है पूरे 1 वर्ष आगामी जो मिशन 2022 हमारा चुनाव के लेकर के है, उससे पूर्व में शिमला नगर निगम का चुनाव है। और शिमला नगर निगम का चुनाव है तो 18 वार्ड, सबसे ज्यादा वार्ड इस शिमला मंडल के ही हैं, 12 कसुमटी के हैं और 4 शिमला ग्रामीण के हैं। पार्टी पूरे पॉजिटिव तरीके से, पूरी सकारात्मकता के साथ सबको साथ लेकर के हम इन 34 के 34 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का फिर परचम लहराएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ में हमने आगामी योजनाएं भी इसी निमित्त हम करने वाले हैं। इसलिए महासंपर्क अभियान, संपर्क से समर्थन, 27 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक में पार्टी इसी अभियान को लेकर के नीचे बूथ से लेकर के और अपने मंडल तक की गतिविधियां चलाने वाली है। मीडिया से बात करते हुए मंडल के महामंत्री गगन शर्मा ने कार्य समिति बैठक की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर मंडल में मंडल स्तरीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा जनवरी 2022 तक प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। प्रदेश की हमारी कार्य समिति अभी पीटरहॉफ में हुई, उसके भीतर हमें जिला में सप्ताह के भीतर एक कार्य समिति करनी थी, उसमें भी ये चर्चा हुई और आज हर मंडल स्तर पर पहुंचाने के लिए हमने हर मंडल में एक कार्य समिति बैठक करी है, जिसमें पूर्व में जो कार्य किए गए उनकी समीक्षा की गई और आगामी जो योजना है हमारी उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये बैठक की गई। कुछ ऐसा भी रहा है कि अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, उसमें जो नतीजे आए हैं बहुत अच्छे हमारे लिए नहीं थे, तो उनकी भी समीक्षा जो हुई है, उसके बाद जो निर्णय हुए हैं, तो ये एक जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं हमारा प्रयास पूर्ण नहीं रहा, जिससे हम लोग केंद्र की नीतियों को या प्रदेश की नीतियों को या जो शहर में जो कार्य हो रहे हैं उनको हम नहीं पहुंचा पाए। 31 जनवरी 2022 तक एक जनसंपर्क अभियान चलाने वाले हैं। माध्यम हमारा हर बूथ पर, हर वार्ड में हर कार्यकर्ता रहेगा, जिसके थ्रू हम हर जगह पहुँचेंगे। राजधानी शिमला में विंटर सीजन के दौरान बर्फ देखने की चाहत के लिए और नया साल मनाने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक शिमला आते हैं। ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए शिमला पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। शिमला पुलिस बर्फबारी के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान करने और हुड़दंगियों से निपटने और खासतौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए 4 रिजर्व बटालियन को शहर के अलग अलग जगहों पर तैनात करेगी।
दिसंबर के महीने में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख करते हैं, जिसके कारण सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है और मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। पुलिस अधीक्षक शिमला डॉक्टर मोनिका ने बताया कि दिसंबर में पर्यटन सीजन शुरू हो जाता है, ऐसे में सड़कों पर लंबा जाम ना लगे और पर्यटकों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए पुलिस मुख्यालय से 4 रिजर्व बटालियन मांगी गई थी जो उन्हें मिल गई है। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि ये बटालियन शहर में विभिन्न जगहों पर तैनात रहेगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके, शहर में जाम ना लगे इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान पुलिस का रोल काफी बढ़ जाता है और प्रतिवर्ष बर्फबारी में फिसलन होने के कारण बाहर से आए पर्यटक यहां फंस जाते हैं, ऐसे में उनका रेस्क्यू पुलिस द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बार भी सजगता के साथ अपना काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मोनिका ने बताया कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल तैयार है और सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। यदि कोई सड़क किनारे बेतरतीब गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी क्रेन से उठा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी नाको बैरियर पर भी तैनात रहेगी और गाड़ियों की चेकिंग करेगी और सैलानियों को पार्किंग के बारे में भी जानकारी देंगी। डॉक्टर मोनिका ने पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि शिमला घूमने जरूर आए लेकिन यहां शांति बनाए रखें, यदि कोई हुड़दंग मचाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विंटर सीजन इज अ चैलेंज बिकॉज़ हिमाचल शिमला टूरिस्ट बहुत ही एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसमें हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रिक्वेस्ट किया था और एक्स्ट्रा मैन पावर जो है 4 रिजर्व्स हमें मिल गई है। ये अलग अलग जगह पर जहाँ पर सेंसिटिव जगह है, चाहे कुफरी हो, चाहे हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, ऊपर नारकंडा हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि मैन पावर हर जगह लगी रहे। इसके साथ साथ पुलिस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो बर्फ के टाइम पे रेस्क्यू करने का, लोगों को सुरक्षित अपनी जगह तक पहुंचाने का है, उसमें हमारी टीम्स हमने बना ली है। होमगार्ड की टीम के साथ भी हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड क्लियरिंग करते हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है एंड वी होप कि आगे सब कुछ सुचारू रूप से चले। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर फर्म एक्शन भी पूरा लेने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो लोग हुड़दंग मचाने के लिए इंटेंशन से आए हैं वो इस ये बात समझ लीजिए कि पुलिस आपके साथ कानूनी तौर से जिस तरीके की जरूरत है उसी तरीके का एक्शन लेगी। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।